करो। और यहाँ पे आप लोग लिए जो सरप्राइज था वो आप लोग दिखाते हैं भाई, क्या सरप्राइज था तो थोड़ा सा ओवरटेक करते हैं भाई। यहाँ पे पतली सी रोड है, हो जा हो जा हो जा। तो हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। गाइज आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं भाई ऐसी लोकेशन से कुछ भाई। तो अभी आप लोग के लिए एक सरप्राइज होने वाला है भाई, बहुत तगड़ा सरप्राइज। 3 दिनों सोच रखा था भाई, हो नहीं पा रहा था। अपने काले सांड में भाई सर्विस वगैरह करानी है, वो हो जाए। फिर उसके बाद भाई लॉन्ग राइड पे जाने वाले हम लोग। थोड़ा मतलब एक दोस्त भी है उसके साथ जाएंगे, वो भी भाई मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है। उसका सेटअप हेलमेट वगैरह आज शायद लेने जाएगा, मेरी बात हुई थी उससे। बाकी अभी चलते हैं और आप लोग के लिए भाई बहुत तगड़ा सरप्राइज है भाई। तो भाई जब यहाँ पे खड़े थे वेट कर रहे थे भाई का, भाई कुछ खाने के लिए भाई पैक करा रहे थे भाई, भाई उसी में टाइम लग गया भाई। वहाँ पे ठेले पे लगी थी भीड़ भाई, भाई खाने के लिए कुछ पैक हो रहा था और वहाँ पे टाइम लग रहा था भाई तभी। और हम लोग अभी जा रहे भाई तगड़ी सी लोकेशन पे भाई, 3-4 दिनों से भाई लोकेशन ही ढूंढ रहे हम लोग। बाकी अब जाके लोकेशन मिल गई और भाई वहाँ पे जाके कुछ स्पेशल हम लोग करने वाले हैं भाई। ये रोड भाई आप लोगों ने ब्लॉग में देखी होगी भाई, जो लोग पहले से ब्लॉग देखते हैं। बाकी भाई कुछ करने स्पेशल वाले हैं भाई, वो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई थोड़ी देर में भाई। और वैसे हम दो लोग जाते हैं आज भाई, तीसरा बंदा भी जा रहा है, वो भी जाके आप लोगों को वहाँ पे दिखाएंगे कौन जा रहा है अपने साथ भाई। और बाकी वहाँ के लिए हम लोगों ने कुछ खाने पीने के लिए पैक करा लिया है, वो भी वहाँ जाके खाएंगे क्योंकि भाई की बड़ी वो है। और बाकी इधर भी रोड अच्छी थी, अब थोड़े बहुत गड्ढे और होने लगे यहाँ पे भाई। इतनी मस्त यहाँ से व्यू वगैरह आता है। बाकी भाई अभी वहाँ चल के बहुत तगड़ा वाला आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो अभी बताएंगे नहीं। मैंने बता देते फिर आप लोगों को भाई वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, तभी मैंने उसको अभी सरप्राइज ही रखा है। वहाँ चल के आप लोगों को दिखाएंगे तब आप लोगों को भाई। अभी तक मुश्किल से मुश्किल मैंने भाई बहुत मतलब इस समय जो ट्रेंड चला है भाई आप लोगों को दिखाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी भाई, पर दोपहर में हम लोग निकलते तो अपनी भाई हालत ही ख़राब हो जाती। इतनी भयंकर फुल पावर धूप निकल रखी थी भाई कि क्या ही बोलने, मतलब हालत ही ख़राब हो जाती अपनी, मतलब पूरी इतनी भाई धूप में निकलने का मन ही नहीं करता। तभी इस समय भाई देख रहे हो भाई धूप में ब्लॉग नहीं करने, या तो सुबह कर लेते हैं या तो फिर शाम को निकलते हैं। और इस समय टाइम हो रहा है भाई वही 5:30 तक हो रहा है, 6 बजने वाला होगा तभी भाई निकले हैं। और 6 बजे जानते हो भाई धूप बिल्कुल भी नहीं रह जाती है, मतलब है हूँ पर इतनी मतलब धूप में कहीं भी चले जाओ इतना टाइम पता नहीं चलेगा। तो भी हम लोग जा रहे हैं आउटसाइड भाई, यानी जगह तो आप लोगों ने देखी होगी, हम लोग दूसरी जगह जाने वाले थे पर भाई उधर तो निकल नहीं पाए, उधर की रोड ज़्यादा कुछ ख़राब है तो मज़ा नहीं आता भाई। बाकी इधर चेक करो भाई रोड इतनी प्यारी, इस पर भाई कैसे भी चलाओ, तेज चलाओ चाहे धीमे भाई कुछ नहीं होने वाला है, मज़ा आती है भाई। क्यों इधर से उधर निकल चले, यहाँ पर नहीं यार। तो भाई जब यहाँ पे हम लोग भाई रोकते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं भाई क्या सरप्राइज था आप लोगों के लिए भाई। बाइक को रोक दिया, अब यहाँ पर रोक के बताते हैं क्या सरप्राइज था भाई। गाइस यहाँ पे खड़ा कर दिया अपना काला सांड भाई, देख ही पा रहे हो अगर। बाकी ये लोकेशन चेक करो भाई कैसी जगह रुके, यहाँ पे कूड़ा कितना सारा पड़ा। पहले यहाँ पे भाई तलैया होती थी पर अब तो भाई सूखा पड़ गया, देख ही पा रहे हो आप लोग भाई। और तो भाई चेक करो, और यहाँ पे आप लोग लिए जो सरप्राइज था वो आप लोग दिखाते हैं भाई क्या सरप्राइज था। तो अभी ये दिख रहा है आप लोगों को, ये था भाई सरप्राइज भाई, ये चेक करो भाई, ये लेके आए हम लोग। और भाई आप लोग समझ ही गए होगे कुछ लोग किस लिए लाए, तो इसको हम लोग लाए भाई रील वगैरह शूट करने के लिए भाई, इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। तो भाई एक नंबर लग रहा है, तो रील वगैरह शूट करते हैं भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई जब भी हम लोग यहाँ पे भाई रुके थे रील वगैरह शूट करनी थी, पर यहाँ पर भाई रोड बहुत ज़्यादा चल रही है, जो रील शूट करनी थी वो रोड ही शूट करनी थी। और बाकी रोड पे कोई ना कोई निकलते जा रहा होती इधर से भाई, तो रील वगैरह शूट नहीं हो पाई। बाकी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर भाई कोई आ ना रहा हो, मतलब बार बार बीच रोड पर बाइक लगानी है, और वो भी यार भाई बार बार कोई निकलेगा तो अच्छे से शूट नहीं हो पाएंगे, और बाकी बार बार बाइक को भी हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए भाई दिक्कत हो रही बार बार। एक बार मैंने लगा दी भाई बाइक, एक आ गई फिर हटाई फिर लगाई भाई, तो बार बार दिक्कत हो। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई और कोई लोकेशन पे चल के अच्छे से शूट करते हैं चल के, ताकि दिक्कत ना हो अपन लोगों को भाई। रोड इतनी प्यारी भाई, मज़ा आ जाता है इस रोड पर बाइक चला के भाई। मोड़ चेक करो भाई आगे, इतना मस्त मोड़ है, मन तो करा इस पर रील शूट करें, पर यहाँ तो भाई कोई आया जा रहा बार बार आया जा रहा भाई। ऐसी जगह पर ले चले जहाँ पे कोई आएगा ही नहीं भाई। ये लीन चेक करो भाई, यहाँ धीरे कर ले। उस दिन एक लुंडा भाई यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जा रहा था, उसके नीचे कुदा दी भाई यहाँ पे नीचे। अब तो पानी टाइप कवर गया, अब इधर साइड में लगाते। इस रोड पे भाई कोई भी नहीं आता है, उस दिन भी हम लोगों ने यहाँ शूट की थी और आज भी यहीं शूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई आता ही नहीं है। और बाकी भाई ऐसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पे कोई आता ना, और यहाँ पे भाई सामने सनसेट भी बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि भाई वीडियो शूट करने के लिए भाई क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी जब तक नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा भाई। तो अभी यहाँ पे रील वगैरह शूट करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, जय श्री राम।
भाई अभी यहाँ पे हम लोग रुके थे भाई, वो खड़े ही अपनी बाइक वहाँ पे भाई, और ये रखा अपने हेलमेट यहाँ पे भाई, रील वगैरह शूट कर रहे थे और ये साथ में लाए थे भाई जिंदा। इसकी रील वगैरह भाई अब मतलब शूट कर ली है, उसको एडिट एडिट करेंगे फिर देख लेना भाई इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया भाई कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में। और बाकी भाई अपनी टिक्की वगैरह लाए थे, इन लोगों ने तो अपनी खा ली है भाई, और बाकी अपनी वहाँ पे पन्नी में रखी है भाई, उसको भी खाते थे चल के भाई। बाकी यहाँ पे भाई कुछ मतलब पुरानी लोकेशन हो गई, अगली बार से नई लोकेशन ढूंढेंगे भाई, इस पर मज़ा नहीं आ रहा कुछ रील वगैरह शूट करने। बाकी आप लोगों को कैसा लगी मतलब रील सिनेमेटिक वगैरह डाल देंगे, बता देना कैसी लगी बाकी भाई, और कमेंट में भाई जय श्री राम लिख देना। और भाई अब चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। नहीं पहले अपनी टिक्की खा लेते हैं, चल के इसको पकड़ो, पहले पेट पूजा फिर उसके बाद गाइस काम करेंगे भाई, तब तक ठंडी हो गई होगी भाई। तो चलते हैं और अपनी टिक्की वगैरह खाते हैं, बस पहले पेट पूजा करते भाई। ये यहाँ पर रखी भाई, चेक करो भाई पन्नी के अंदर रखी है भाई, काफ़ी दिनों के बाद लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, बहुत अजीब लग रहा है ये रखी अपनी पन्नी, उसको रख के खाते हैं भाई। तो गाइस भाई अभी यहाँ पे मैं टिक्की वगैरह खा रहे थे, वो लोग पता नहीं बाइक लेके कहाँ चले गए भाई, मैं अकेले यहाँ पे खड़ा हूँ, देखो भाई वो शायद सामने से आ रहे हैं, उसको बाइक सिखा रहे थे भाई, सिखाते सिखाते कहाँ निकल गए भाई, ये चेक करो। अभी आते हैं फिर आप लोग दिखाते हैं भाई, मुझे तो लगा मुझे छोड़ के चले गए भाई, मैं यहाँ पे खा रहा था भाई टिक्की, है देखो पड़ी है पन्नी वगैरह यहाँ पे भाई, और वो लोग आ रहे भाई, ये चेक करो। ज़्यादा रेस मत दो, चढ़ा दो मेरे पर, यहाँ आप चढ़ा रहे थे भाई। तो गाइस अब चलते हैं और मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग से करते हैं। तो गाइस भाई अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, काफ़ी रील वगैरह थोड़ी बहुत शूट की हैं, जो कुछ भी वो देख लेना भाई, शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर दूँगा भाई। चलते हैं घर भाई, टाइम हो गया, और बाकी भाई जब धूप वगैरह चली जाती है तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो भाई भाई इतना मस्त सनसेट हो रहा है भाई, चेक करो भाई, वाइट एंगल लेंस में पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं भाई, तो गाइस भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, और टिक्की इतनी तीखी थी भाई, अभी मिर्चा लग रहा है अपन को भाई। और वाइट एंगल लेंस में भाई कुछ अलग ही आता है, मतलब यहाँ से आंखों से कुछ और दिखता है और वाइट एंगल लेंस से कुछ और दिखता है भाई। ऑटो ऑटो कुछ ज़्यादा हरदोई में भाई ऑटो वगैरह हो गए, तो थोड़ा सा ओवर टेक करते हैं भाई, यहाँ पे पतली सी रोड है, हो जा हो जा हो जा, हो गए गाइस भाई, ऑटो वाले भैया इसे देख रहे हैं भाई, वाइट वगैरह सब मस्त आ रही होगी भाई, हल्का सा वाइजर खोल रखा है भाई, अब तेज चलते हैं तब पता नहीं भाई कैसी क्या आती है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे। तो गाइस भाई गांव साइड आ जाओ तो सब लोग इसे देखते हैं, मतलब भाई थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि भाई सारे लोग पहन के तो निकलते नहीं भाई, कुछ ही लोग मतलब मैं ही पहन के निकलता हूँ इधर से, जब भी निकलता हूँ भाई आता रहता हूँ थोड़े थोड़े दिनों में इधर भाई, देखते हो गए आप लोग भाई, शांत रहो यार तुम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई डायरेक्ट घर भाई, और बाकी भाई आजकल भाई ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो पा रहे भाई, आज एक सुबह शूट किया था और एक अभी शूट कर रहे हैं भाई, वो सुबह वाला आज शाम को चला जाएगा 8 बजे रात को भाई, और ये अलग कल चला जाएगा, और कल अगर बाइक निकली तो कल भी शूट करेंगे जाके भाई, देखते हैं। तो भाई लोहे का जाल जा रहा था, अगर उधर बढ़ाते तो किसी ना किसी का तो पैर टच ही हो जाता, और भाई अपने साथ अभी एक सीन हो गया था, हम लोग रील शूट कर रहे थे भाई, बाइक को खड़ा करके रोड के साइड में भाई, मतलब रोड मतलब खड़ी थी रोड पे ही शायद, मतलब हाँ रोड ही पे खड़ी थी भाई, और उसके चक्कर में भाई हो गया था सीन, एक अंकल निकले स्पीड में भाई। बालू आ गई आराम से निकलते, बालू पे भाई स्लिप वगैरह करती है तभी धीरे कर लेते हैं भाई। तो वहाँ की भाई बिल्कुल सनसेट हो चुका है, और वहाँ की भाई अभी जस्ट वो अंकल निकले थे, पीछे दूध वगैरह क्या टांगे थे भाई, और इस बाइक खड़ी थी उन्होंने, एक बार बोला भी नहीं हटा लो भाई, और अचानक से निकल गए, और पीछे जहाँ पे भाई मैंने यूट्यूब चैनल का नाम वगैरह लिखाया था वहाँ पे उन्होंने टच किया, मतलब अपनी बाइक को हिट कर दिया उन्होंने भाई डायरेक्ट, और मुझे लगा टूट गया होगा भाई, पर आराम से निकल गए थे भाई, वो बस टच किया था भाई। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली घर भाई, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को आए भाई, तो सब ऐसे देख रहे हैं भाई, ये सब लग रहा है भाई जब निकल गए, मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फंस।
मंजर तुझे मिलना पड़ेगा, पुसवाना हुआ सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। भाई अभी ब्लॉग शूट करके आ गए थे डायरेक्ट छत पे, काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी भाई, तो भी छत पे बैठ के आराम से वीडियो वगैरह थोड़ा देखा इंस्टाग्राम पर रील वगैरह। तो आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। भाई मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।